हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले कुछ ही प्लांटर्स में प्लांट्स लगाकर स्टार्टिंग करते हैं, फिर हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाती है क्योंकि हमारी शौक़ जो है गार्डनिंग की वो कभी पूरी नहीं होती है। हमें हमेशा यही लगता है कि कुछ और प्लांट्स हमें अपने घर में लगाना चाहिए, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है स्पेस की और पॉट्स की। तो पॉट्स तो हम लोग बाज़ार से ले आते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में कुछ वेस्टेज पड़ा हो और उससे अगर हम कोई अट्रैक्टिव लुक्स देकर उसे पॉट्स में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 प्लास्टिक बॉटल लिए हैं जो बिसलरी के होते हैं, और हमें चाहिए एक ग्लू गन और ग्लू गन स्टिक और थोड़ा ये रॉड वायर और रस्सी, कटर, सीजर और फैब्रिक कलर और पेंट ब्रश। इन सब की सहायता से मैं हैंगिंग पॉट बनाने जा रही हूँ और ये तीनों को मैं एक साथ अटैच करूँगी ताकि स्पेस भी बचे। तो जैसा कि आपने देखा ही कि मैंने 3 बॉटल लिए और एक साथ रख कर पहले निशान लगा लिया और फिर निशान लगाए हुए जगह पे मैंने सबको काट लिया इक्वल पार्ट में। तो अब उसके बाद फैब्रिक कलर की सहायता से इन्हें पेंट कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के लिए इन्हें सूखने देते हैं, और जब यह पेंट सूख जाती है तो उसके बाद इन्हें ग्लू गन की सहायता से एक साथ अटैच कर देते हैं।